अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अरे वो वाला तो उसमें करो, बच्चे लेट हुए थे क्या बताया कि नहीं बताया? हर बार तीन बार बच्चे को भगा दिया वहाँ पे, वो बच्चे ने मना कर दिया, उसका बाहर टाइम चलो सर के पास चलेंगे, बाइट नंबर सामान खड़ा था आपका। और कैसा क्या पेपर? हिंदी का पेपर था। हिंदी का पेपर था आज। कौन सी क्लास का था आज? क्या नाम है? रेणुका मालवी। काय का पेपर था आज? हिंदी का। कैसी क्या व्यवस्था थी, कैसा गया पेपर आपका? अच्छा गया, बहुत अच्छा। अच्छा कुछ बच्चे लेट आए थे तो क्या उनको परीक्षा देनी दी थी यहाँ पे? आप जल्दी आ गए, सब टाइम से आ गए थे। ऐसा कोई बच्चा तो था जो लेट आया था, उसको परीक्षा से बाहर कर दिया? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं था। कोई भी नहीं था। सबका पेपर अच्छा गया? सिंपल पेपर था। कहाँ के छात्र हो आप सब? काय का था आपका, कैसा गया पेपर आज का? आज हमारा है ना हिंदी का पेपर। कैसा गया पेपर आपका? बहुत अच्छा गया पेपर। अच्छा आज यहाँ पे जो बच्चे आए थे, जो बच्चे लेट हुए उनको परीक्षा देने दी थी आज? देने दी थी ना, मतलब सारे बच्चा सही टाइम पे आ गए थे? हाँ सर, जल्दी आ गए थे आज, है ना? हाँ सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आरती। कौन सी क्लास से हो आप? सर मैं 12th क्लास से हूँ। आज हिंदी का पेपर था ना आपका? हाँ। शिक्षा मंडल द्वारा वार्षिक परीक्षा हायर सेकेंडरी की आज से शुरू हुई है। आज हमारे जिले में 103 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 21,000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया और परीक्षा पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रही। जिले में कहीं भी नकल प्रकरण नहीं बना है। सर कल देखा गया था जिस तरह से कल बच्चे जो एग्जाम देने आए थे और लेट हो गए थे, तो परीक्षा से वंचित रह गए थे, आज भी ऐसे कितने बच्चे थे जो परीक्षा से वंचित हुए? शिक्षा मंडल का नियम है इस वर्ष का कि 8 बजे तक बच्चे परीक्षा केंद्र पर प्रवेश कर जाए, 8:30 पर जो है बच्चे परीक्षा कक्ष में प्रवेश कर ले, 8:40 के बाद किसी बच्चे को प्रवेश की अनुमति नहीं है। ऐसे में बच्चे 9 बजे बाद यदि आते हैं तो निश्चित रूप से केंद्राध्यक्ष ने जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल के नियमों का पालन किया है। सर क्या उनके लिए फिर आगे कोई सहूलियत कैसे कुछ रहेगा कि वो पेपर दे सकते हैं या कुछ? जी नहीं, वो बच्चे उस परीक्षा में अनुपस्थित माने जाएंगे, शेष परीक्षा में यदि पास होते हैं तो उन्हें पूरक की पात्रता आती है। पूरक की पात्रता आने के कारण किसी बच्चे का साल नहीं बिगड़ेगा, बच्चे इस बात से तैयार रहे कि आगामी परीक्षाओं में समय पर उपस्थित हो और शेष पेपर बहुत अच्छे से करें, तो उन्हें सिर्फ पूरक की पात्रता आएगी, उनका साल खराब नहीं होगा। ठीक है।